सीएम बघेल 15 और नई दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रायपुर से 10:30 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर 11:20 पर नवगठित गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा पहुंचेंगे और 11:30 बजे गुरुकुल क्रीड़ा परिसर पेंड्रा रोड आकर कार्यक्रम में शामिल हो जाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के 28वें नवगठित जिले गौरेला पेंड्रा मरवाही का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे बिलासपुर के चकरभाटा एयरस्ट्रिप पहुंचेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हेमंत हमारे साथ लाइव जुड़ गए। हेमंत, एक और नया जिला शामिल हो गया है, 28वां जिला है, इसको लेकर जाहिर है उत्सुकता सभी तरफ देखने को मिल रही है। क्या तैयारियां सबसे पहले जानना चाहेंगे नजर आ रही हैं? देखिए बुसरा, छत्तीसगढ़ के नक्शे में 28वां जिला पिंडरा गौरेला मरवाही आज अस्तित्व में आ जाएगा। करीब माफ करिएगा, 15 अगस्त को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मन से ये ऐलान किया था कि पिंडरा गौरेला मरवाही को नया जिला बनाया जाएगा। उसके बाद से ही लगातार तैयारियां वहां पर हो रही थी। तहसील कार्यालय वहां पर जिला मुख्यालय बनाया जा रहा था, कलेक्टर कार्यालय वहां पर बनाया जा रहा था। उसके घोषणा के कुछ दिन बाद वहां पर कलेक्टर और तमाम जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति की गई थी और अब आज जाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उस नए जिले का शुभारंभ करने जा रहे हैं। नए कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर से 10:30 बजे रवाना होंगे और करीब 12 बजे के आसपास वहां पिंडरा पहुंचेंगे। पिंडरा के हाईस्कूल मैदान में जो पूरा कार्यक्रम है वो वहां पर होगा और उसी से पिंडरा गोरेला और मरवाही आज से अस्तित्व में आ जाएगा। यानी छत्तीसगढ़ में पहले 27 जिले थे, अब पिंडरा गोरेला मरवाही एक जिला आज अस्तित्व में आ रहा है, तो कुल मिलाकर 28 जिला छत्तीसगढ़ में हो गए हैं। और इसके पहले जब घोषणा हुई थी नया जिले बनाने की, तो तमाम जो वहां के लोग हैं, आम लोग हैं, वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने उनके निवास पहुंचे थे और उन्होंने धन्यवाद भी दिया था। और काफी लंबे समय से मांग हो रही थी पिंडरा गोरेला मरवाही, हालांकि पिछली सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी उसके कुछ दिन बाद ही नए जिला बनाने की घोषणा वहां पर कर दी गई। जी, और जैसा कि हेमंत, लंबे समय से मांग की जा रही थी जिला बनाने को लेकर, लेकिन अब जबकि ये सौगात रहवासी जिले के रहवासियों को मिल गई है, तो कितनी सुविधाएं और मिल पाएंगी, कितना फायदा अब होगा? क्योंकि अब हर काम के लिए पहले बिलासपुर जाया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि पिंडरा से बिलासपुर की दूरी काफी थी और उस क्षेत्र में अगर किसी को काम है तो वो सीधा जिला मुख्यालय बिलासपुर उनको जाना पड़ता था। ऐसे भी कलेक्टर से आम लोगों की बहुत सारी समस्याएं जुड़ी रहती है और लोग ये चाहते हैं कि कलेक्टर और तमाम जो अधिकारी हैं वो आसानी से उनके समक्ष उपलब्ध हो। तो ये तमाम गहन मंथन किया गया था और यही जब जिला बनाने की मांग की गई थी तो मुख्यमंत्री के समक्ष ये बातें रखी गई थी वहां के आम लोगों के द्वारा कि बड़ी दूर उनको जाना पड़ता है, अगर किसी भी जिला मुख्यालय में अगर काम हुआ तो उनको बिलासपुर ही जाना पड़ता था क्योंकि काफी दूरी बिलासपुर की पिंडरा से थी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने उन तमाम समस्याओं को जाना और समस्याओं को जानने के बाद नए जिले बनाने की घोषणा 15 अगस्त को की थी और नया जिला आज अस्तित्व में आएगा। निश्चित तौर पर काफी सुविधाएं मिलेंगी क्योंकि आम एकदम जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी काफी परेशानियां रहती है, तो ऐसे में उनकी परेशानियां दूर होगी। इसके अलावा अब उनको बिलासपुर का सफर नहीं करना पड़ेगा। चलिए हेमंत, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस आएंगे। इस बीच